हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज के बारे में। तो आज देख सकते हैं ये आप बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट 26,903, फर्स्ट रेजिस्टेंस 27,020, सेकंड रेजिस्टेंस 27,137 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 27,255, the first support 26,785, second support 26,668 and the third support 26,550। तो इसमें आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी, मैंने लिया डेली चार्ट, ये डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना के। तो बाद में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिया था, जो जैसे मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, ये बैंक निफ्टी एक फिबोनाची 50% रिट्रेसमेंट किया हुआ है। तो यहाँ से आप बाय ले सकते हैं बोल के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 50% रिट्रेसमेंट हुआ और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो प्रीवियस वीडियो आपने अगर देखा तो यहाँ से आपको पता चला जाता और यहाँ पे आप बाय स्टार्ट कर दिया होता मुझे लगता है। तो यहाँ से अभी क्या होने वाला है, यहाँ से अकॉर्डिंग टू द इलियट वेव पैटर्न बना रहा है। इलियट वेव का पैटर्न क्या होता है, फाइव वेव बनाता है, राइट? वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर एंड वेव फाइव, ये पांच वेव होता है। पांच वेव में क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बार देखना पड़ता है, जैसे वेव वन टू थ्री फोर फिफ्थ, कभी कभी क्या होता है, ये फिफ्थ वेव ने जो वेव वन, ये टू, ये थ्री वेव, राइट, ये थ्री वेव को ब्रेकआउट नहीं होता और फिर से मार्केट नीचे आ जाता है, उसको डबल टॉप एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, अगर ये अगर वेव जो थ्री वेव है, ये थ्री वेव है, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं किया और मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म करके। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा इधर, यहाँ से जो पहले जो वेव है, जो थर्ड वेव है, उसको ब्रेकआउट कर पता है या नहीं पड़ता। अगर ये अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे लगता है 123% नहीं तो 138% तक जा सकता है, जो प्रीवियस हाई था अराउंड, आपको देख सकते हैं 7 अगस्त, 7 अगस्त के आसपास जो ये हाई गया था, तो ये हाई तक जा सकता है यहाँ से मार्केट, राइट? तो इसलिए हमें आज ट्रेडिंग कैसे करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, उसका ऊपर भी बात करेंगे। वो हो गया डेली लॉन्ग टर्म के लिए, डेली पोजिशन के लिए। तो उसमें देखेंगे अभी 4 आवर में, तो मैं ये फिबोनाची को हटा देता हूँ। फिबोनाची तो यहाँ पे देख सकता है एक लोअर लो बनाया, लेकिन मार्केट फिर से ऊपर निकल गया। तो इसलिए मुझे वेट करना है ये जो हायर पॉइंट है इसको ब्रेक करने के लिए। अगर इसको हायर पॉइंट को ब्रेकआउट कर दिया, मुझे लगता है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें ये जो लेवल है अराउंड 27,000, जस्ट अ मिनट, यार 27,000 का जो लेवल है उसको पहले तोड़ना चाहिए। अगर इसको तोड़ दिया, अगर आज उसको तोड़ दिया, मुझे लगता है ये जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो अगर हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट में देखें, तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लोअर लो बनाया था, राइट? यहाँ पे एक देख सकते हैं आप लोअर लो बनाया था। तो देखना है अभी ये लोअर हाई बनाता है या हायर हाई बना लेता। अगर इसको हायर हाई बना देता तो हम बाय में जाएंगे। अगर ये लोअर लो बना के मार्केट नीचे आना शुरू करेंगे तो हम सेल लेंगे कितना तक, 26,500 लेवल तक हम सेल में जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा देर वेट करना है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया जो पहले हाई, तो उसमें यहाँ से हम बाय स्टार्ट कर लेंगे। अगर इसको ब्रेकआउट नहीं किया, अगर ये बेकार ये लोअर लो बनाया, ब्रेकआउट नहीं किया, फिर से ये आ गया नीचे में, तो स्टार्ट करेंगे हम सेल करने के लिए यहाँ से, राइट? सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।